और भाई देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ का शिवराज सरकार पर बड़ा वार। एमपी में भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई गई है, कमलनाथ की ओर से ये बात कही गई। 50% दो काम कराओ की व्यवस्था, 50% दो और काम कराओ की व्यवस्था की बात यहां पर कमलनाथ ने कही। सीएम ने 22,000 घोषणाएं की हैं आज कल। घोषणा मशीन डबल स्पीड में चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। सरकार की सभी घोषणाएं झूठी हैं। जहां नदी भी नहीं वहां पुल की घोषणा कर जाते हैं। ये शिवराज सिंह जी का 18 साल का रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में घर घर में शराब पहुंचाई जा रही है। ये तमाम बातें पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से कही गई हैं। शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा गया है, मुख्यमंत्री पर निशाना साधते पीसीसी चीफ यहां पर नजर आए, तमाम आरोप लगाए। घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, योजनाएं धरातल पर नहीं दिखती, सिर्फ घोषणा की जाती है। इतना भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है इन्होंने। 50% दो काम कराओ, शिवराज सिंह जी आएंगे घोषणा करें, 22,000 घोषणाएं करी हैं। आजकल तो उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। जो झूठ बोलवाना है बोलवा लो, जहां नदी भी ना हो वहां पुल की घोषणा कर देंगे ये। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या, इसका जवाब दे दीजिए। महंगाई दी, बेरोजगारी दी, एक और बात बता दूं क्या दिया उन्होंने, उन्होंने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वही देखिए एमपी